अज आज़ादी के 75वें नैशनल फैसटिवल से मैं अपने वालों पूरे भारत वासियों को लख लख मुबारकबाद दिता उत्ते धन्यवाद करना साढ़े बी एस मीना जी जिहड़े स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने आर पी एफ के इंचार्ज गुलशन जी और जिन्नी भी साड़ी इत्थे दी रेलवे इंपलाईज या होर जिहड़े भी साढ़े मुलाजम ने उन्हां दा मैं धन्यवाद करदा। वो हर साल इत्थे नैशनल फैसटिवल मनांदे ने और जिहड़ा कि बड़ी धूमधाम मनाया जाता और बच्चों नूं लड्डू वंडे जाते हैं बुक्स वंडिया जाती हैं बहुत ही सोशल एक्टिविटी के ढंग नाल रेलवे स्टेशन मनाया जाता और हर साल ये मैनू इत्थे आउण दा मौका दिंदे ने। मैं धन्यवाद करदा और देश वासियों नूं लख लख बधाई भी दिंदा। आज हमारे देश का स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से बड़े प्यार से जाति पात को भुलाकर सारे भेदभावों को भुलाकर हम एक तिरंगे के नीचे इकट्ठे होते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में तिरंगा फहराया जाता है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी इंसान है वो एक बूटा ज़रूर लगा है, एक पेड़ ज़रूर लगा है, इससे हमें बहुत फायदे मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, ईंधन मिलेगा, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे और बीमारियों से भी दूर रहने का अवसर मिलेगा। अपने बुज़ुर्गों को ना भूलें। किसी भी हालत में आज देखने में मिल रहा है कि बुज़ुर्गों की हालत दयनीय होती जा रही है, लेकिन बुज़ुर्गों को ना भूलें, उनकी हर समय सेवा करें, मदद करें, जैसा भी हो उनका सहयोग करें। धन्यवाद। इस वक्त देश जो है हमारा आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ऐसे ही शान से ऊंचा रहे हमारे देश का तिरंगा।